अपना स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में एक बार फिर तीन तलाक का एक मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को घर के बाहर खड़े होकर तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां मार्जिन बी ने पुलिस को शिकायत की है कि उसकी शादी हारून पटेल नाम के शख्स के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करता रहा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पलासिया थाने पर की थी। बाद में आपसी सहमति के बाद दोनों में राजीनामा कर हस्ताक्षर कर केस को खत्म कर दिया और साथ रहने लगे। उसके बाद 15 जुलाई को पति हारून पटेल पत्नी मजीना बी को बहन के घर गया और पत्नी के साथ बदसलूकी की और घर के बाहर खड़े होकर तीन बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया। पत्नी की शिकायत पर खजराना थाना पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, तीन तलाक का मामला सामने आया है, किस तरह का मामला है और क्या शिकायत? हाँ, एक महिला है मर्जीना भी, और इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई, जिस पर हम लोगों ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम धारा 3/4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इन्होंने बताया कि इनके पति हारून पटेल जो है उनके विरुद्ध उन्होंने दहेज की शिकायत कराई थी। इस पर थाना पलासिया में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और बाद में इन लोगों का आपसी राजीनामा हुआ था और ये दोनों वापस साथ में रहने लगे थे। और 15 जुलाई को इनके पति ने जो है इनकी बहन के घर पर आकर और इनसे जो है बदसलूकी की और इनके साथ जो है तीन बार तलाक बोलकर तलाक ले लिया। उस पर उन्होंने एफ आई आर दर्ज करवाई, हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और आरोपी को हम लोग जो है विधिवत कार्रवाई करेंगे।